एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को घर पे पपाया जेल बनाना बताऊंगी। जी हाँ, पपाया जेल के बहुत सारे स्किन बेनिफिट होते हैं। हमारे स्किन से सारे स्पॉट्स को रिमूव करता है, स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाता है। जी हाँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आए तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पपाया जेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है पपाया। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने एक बोल के करीब पके हुए पपीते लिए हैं। अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और फिर इसको आपको मैश करना है। चाहे तो आप फोक की हेल्प से मैश कर सकते हैं या मिक्सर में इसका बारीक पेस्ट बना सकते हो। तो फिलहाल मैं मिक्सर का यूज करूंगी यहाँ पेस्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर में इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब भी आप बनाएं हमेशा फ्रेश बैच ही बनाएं। ज्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गर्मियों का दिन है और वैसे भी जितना हो सके आप फ्रेश चीजें अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। तो हमेशा कम क्वांटिटी में बनाइए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने इतना सारा पेस्ट लिया है लेकिन मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगी, अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा बना रही हूँ। तो आप चाहे ज्यादा बना सकते हैं लेकिन मैं इसका थोड़ा सा पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। जी हाँ, अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट चीज इसमें ऐड करेंगे वो है विटामिन ई की एक कैप्सूल। जी हाँ, ये 400 mg की इवियन कैप्सूल है। इसकी करीब हम 2 से 3 कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपको विटामिन ई की ये कैप्सूल नहीं मिलती तो आप विटामिन ई ऑयल जो मार्केट में आता है वो ले सकते हैं। इसकी करीब, जैसे मैंने बताया, इसकी कैप्सूल में इसमें ऐड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 1 by 1 करके हम इसमें ऐड करेंगे। एक ऑयल मैंने इसमें ऐड किया आपके सामने। और इसे हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें पपाया की तो पपाया में पैपिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्किन पे नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। मतलब हमारे फेस पे जितने भी स्कार्स होते हैं, चाहे वो पिंपल्स के हों, चाहे वो एक्ने की वजह से हो, चाहे अनइवन स्किन टोन, इस सारे तरीके की स्किन इम्प्योरिटीज को दूर करता है, हमारे स्किन को यूथफुल ग्लो लाता है। साथ में पपाया में बहुत ज्यादा स्किन हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, रिंकल, फाइन लाइन्स की जो प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके फेस को यूथफुल ग्लो ला करके देता है। तो पपाया इस तरीके से आपके नेचुरल ब्लीचिंग, जैसे मैंने कहा, उस तरीके से आपके स्किन को लाइट बनाता है, ब्राइट बनाता है और आपके स्किन पे ग्लो ला करके देता है। जी हाँ, बात करो विटामिन ई की तो विटामिन ई आप सब जानते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितना ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने दोनों चीज इसमें ऐड करी, तीसरी और लास्ट चीज जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, मैं यहाँ पे मैरिट फीसियो का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं या आपके पास नहीं है तो आप जो रेगुलर कोकोनट ऑयल आता है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके को भी हम कभी इसकी कुछ बूंदे इसमें ऐड करेंगे। या आप कह सकते हैं 1 चम्मच, जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो छोटा चम्मच ही करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल की बात करूं तो कोकोनट ऑयल गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। मीन्स इसको हम भी थोड़ा सा तेल हम आधे से 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे। जी इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, कोकोनट ऑयल आप सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल जो इनमें इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, गर्मियों में ये हमारी स्किन को ठंडक देता है, हीलिंग प्रॉपर्टी से बोलूं वो काम करता है और आपकी स्किन नेचुरल सनस्क्रीन लोशन का भी काम करता है। जी हाँ, आप सब जानते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको ला करके देगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। तो कुछ नहीं, आपको बस सिंपल इसे इस तरीके से लेना है, सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसे अप्लाई करना है। जी हाँ, आप देखेंगे अगर आप इसे रेगुलर लगाते हैं तो आपके फेस पे जो डार्कनेस है, अनइवन स्किन टोन, डार्क सर्कल हो या दाग धब्बे कुछ भी हो, वो सारे प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, फेस पे ग्लो सा आ जाएगा। तो इस तरीके से लगा करके आप इसे मसाज करिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पपाया जेल मैंने आपको जिस तरीके से बताया को सेम इसी तरीके से बना करके इसे स्टोर करना है। अब मैक्सिमम आप इसे 8 से 10 दिन से ज्यादा फ्रिज में स्टोर ना करें। गर्मियों का दिन है तो बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, तो आप हमेशा फ्रेश बैच बनाइए जैसे मैंने आपसे कहा। और इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें ऑयल्स वगैरह पड़े हुए तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। और हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें अपने हिसाब से चीजें ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 या 3 के करीब विटामिन ई की कैप्सूल डाली
हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको फिट कर सकते हैं या अपने एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसे मैं कंटेनर में खाली कर लूंगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसे कंटेनर में खाली कर लिया है। आप इसे मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम लगा करके छोड़ सकते हैं। आप इसे रात में भी लगा करके नाइट पैक की तरह या नाइट क्रीम, नाइट सीरम किसी भी फॉर्म में से आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्किन बेनिफिट है। इससे ज़्यादा मैं आपको किस वीडियो में क्या बताऊँ, मैंने सारे बेनिफिट आपको बता दिए। जी हाँ, और आप इसे मैं बोलूँगी जिसकी स्किन पे एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है वो अभी से इसे लगाना स्टार्ट करें, या आप 30s, 40s, 50s में आंटीज हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और ये मैं बढ़िया सा पपाया जल। अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।